गाइस ये देखो यहाँ पे आए हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, कैंडी कैंडी बोलते हैं ना इसको, और यहाँ पे ये आहा चल रहा है, ये देखो हाल देखो गाइस। तो आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हम यहाँ पे कर चुकी हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ टैटूज ही बनाने आए हैं, ऐसा फील आ रहा है मुझे पिछले 4-5 घंटे के जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि रुको गाइस रुको जरा। तो फाइनली हम लोग गोवा के ट्रिप को खत्म करके आ चुके हैं अपने घर, और वहां के बीच के पानी में नहा नहा के हमारे बिल्कुल ऐसी तैसी हो चुकी है, हमारी स्किन टोटली बर्न हो चुकी है, क्योंकि सन बर्न से जो हाल होता है स्किन का वो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मामा अर्थ का फेस वॉश और फेस सीरम, जो कि बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर। इसमें है विटामिन सी, एलोवेरा और आपका टर्मरिक, जो कि आपकी स्किन को सन बर्न से बचाता है और सन से होने वाले हार्म से बचाता है, आपकी स्किन को ब्राइट रखता है और टैन होने से भी बचाता है। तो गाइज हम पहले बात करते हैं मामा अर्थ के फेस वॉश की, जो कि बना है टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर, जो कि बिल्कुल एनिमल क्रुएल्टी से फ्री प्रोडक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली जैसे आप अपना फेस वॉश यूज करते हो वैसे ही इसको यूज करना है और अपना फेस वॉश कर लेना है। और मैं आपको बता दूं मामा अर्थ जितना प्लास्टिक यूज करता है उससे ज्यादा वो रिसाइकल करता है। और एक और खास बात मैं बता दूं मामा अर्थ के बारे में कि मामा अर्थ ने एम किया है 1 मिलियन प्लांट लगाने का। वो प्लांट वो कैसे लगाएंगे, एक्चुअली मामा अर्थ ने क्या किया है कि जो भी प्रोडक्ट आप मामा अर्थ के थ्रू परचेज करोगे उन्होंने वो उसको लिंक किया है एक ऐसी वेबसाइट से जिनका एम है 1 मिलियन प्लांट्स को लगाने का 2025 तक, जिसके लिए मामा अर्थ ने इनिशिएट लिया है। तो गाइस वैसे ही आपको मामा अर्थ का फेस सीरम यूज करना है। नॉर्मली सीरम्स अगर आप देखोगे तो वो जेल फॉर्म में आता है, बट ये वाला जो इसका फेस सीरम है ये एक लोशन फॉर्म में है। नॉर्मली आपको इसको अपने फिंगर पे लेना है एंड डॉट डॉट करके अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। ये भी बना है एलोवेरा, टर्मरिक एंड विटामिन सी से। स्किन टैन हुई है वो सब टैनिंग को रिमूव करेगा और आपको देगा एक ब्राइट स्किन। गाइस आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट को मामा अर्थ, अमेजोन, पर्पल एंड नायका दोनों की वेबसाइट और ऐप से भी परचेज कर सकते हो। अगर आप यूज करते हो हमारा कोड यशल 2022 तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। तो गाइस देर किस बात की है, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जल्दी से प्रोडक्ट को बाय करो और अपनी टैनिंग को गायब करो। नहीं लेगा आपका फेस नहीं, कुटे का बाल खाएगा पाल, खाओ आपका बाल ही इतने लंबे हैं या आपके तरह हैं, कौन से आपके बियर्ड के ओरिजिनल है, ओरिजिनल है ये बोल रहे हैं करके भगा दो बोल रहे हैं आप। ओए ओए गाइस ये आपके हड्डी पे मत बना एक्चुअली बनना है, फिर उसको रब करता है ना उसमें ज्यादा दर्द होता है। ये लास्ट है, इसके बाद और भी है। एक और है। हाँ हाँ बनाओ हैवी ड्राइवर अभी ड्राइवर है, अभी ड्राइवर है, ये पता नहीं चाहती क्या अपने गर्दन पे। मैं फील ले रही हूँ यहाँ पे टैटू बन के कैसा लगेगा।
वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अब मुझे पता नहीं कि मैं न्यू व्लॉग में डालूंगी या पुराने में डाल दूंगी, क्योंकि कल रात को तो बहुत छोटा व्लॉग बना था तो इसलिए। और कल रात को हम लोग गए थे कैलंगेट बीच पे, और ये देखो मैं अपना टैटू शो ऑफ करते हुए ऐसे ऐसे करके तो हमने वहाँ पे बहुत सारे टैटू बनवाए, और क्योंकि सही रेट पे बन रहे थे तो हमने बनवा लिए। और आज है हमारा गोवा में लास्ट डे, मतलब अभी हम लोग निकल रहे हैं जस्ट, अभी टाइम हो रहा होगा, कितना टाइम हो रहा है, 11:19 हो रहे हैं, और हम लोग आज निकल जाएंगे यहाँ से, दफा हो जाएंगे बिल्कुल ही। आओ जरा इधर, यशु ने भी टैटू बनवाया है, अभी दिखाते हैं आपको। वो मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके मेरे पोस्ट में देखना, बहुत ही शानदार एक टैटू मैंने बनवाया है। हाँ, यशु का टैटू वहीं पे देखा। और मैं एक और बार बता दूं, मतलब मैंने उसी मतलब महादेव वाले उसी टैटू में, मैंने बहुत सारे टैटू मेरे इन दिमाग में थे पिछले 4 सालों से, लेकिन 3 ईयर्स पहले कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी टैटू में मेरे साथ, जिसके वजह से मैंने टैटू बनवाना बिल्कुल बंद कर दिया था। और ये पीछे है अपना ओरिजिनल वाला, ये आप देखना इसके पोस्ट पे। और मेरे टैटू मैं दिखा देती हूँ आपको, ये ना मैं दिखाऊंगा, ये है चलो तू ये दिखा दे, पीछे देख लेना। ये है गाइस मेरा टैटू, यहाँ पे मेरा एक टैटू था जो खराब हो गया था, उसमें पस पड़ गई थी, तो वो मैंने फिल करा लिया पूरा। अब इसमें मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि इन्होंने एक्चुअली बैंड की लाइंस पूरी नहीं करवाई है पेन की वजह से, पेन मेरे को बहुत गंदा वाला पेन हो रहा था, आप देख ही रहे हो बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने भी इनको मना कर दिया कि ठीक है लाइंस तो कभी बन जाएंगी। ये है स्पेशल टैटू, अब तक का स्पेशल टैटू हम लोग, एक्चुअली ये जो टैटू है आप इसके चिक्के से कनेक्ट कर सकते हो अभी के लिए, तो ये चिक्के से कनेक्टेड टैटू है तो हमने इसलिए बनवाया। वैसे भी आप लोग जानते हो कि वी आर डॉग लवर्स, तो ये टैटू बहुत स्पेशल है, और स्पेशली उसने बहुत फिनिशिंग के साथ ये टैटू बनाया है। मुझे नहीं पता कैमरा में कैसा आ रहा है, बट ओरिजिनल बहुत ज्यादा प्यारा है, शेडिंग बहुत अच्छी की है उसने। और फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, हमारी फ्लाइट है शाम को 5 बजे, कीर्ति की फ्लाइट है 2:30 बजे, तो हमें अभी निकलना पड़ेगा। अब देखना यह है कि हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है एयरपोर्ट पे, और हमारी जो सोते हुई शक्ल है आपको दिख रही है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि उसमें 4 बजे हम सोए हैं और 8 बजे हम उठ गए थे। अब तो मैं ऐसे ऐसे अपना टैटू शो ऑफ करूंगी, और ये वाला कैसे करूंगी, ये वाला तो मैं कर ही नहीं सकती, ये वाला ऐसा करना पड़ेगा। हाँ भाई सब ठीक है, तो मैं तो मतलब ऐसे करूंगी फिर, गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट द हेल यार डुगू, पीछे पे पूरा बैकलेस पहन के फिर मैं करूंगी ना। आज जो ब्लॉग आएगा ना, मुझे पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कह नहीं सकती, अभी हम लोग निकल रहे हैं, आज एडिटिंग हुई नहीं है, तो लेट्स सी 5 बजे की फ्लाइट है, तो मैं हो सकता है एयरपोर्ट पे बैठ के एडिटिंग कर लूँ, लेकिन अपलोडिंग का पंगा आएगा वहाँ पे। अगर अपलोडिंग का स्पीड अच्छा रहा तो डेफिनेटली हाँ, आपको व्लॉग मिल चुका होगा, और अगर आपको व्लॉग नहीं मिला है तो आप समझ जाओ कि नेटवर्क इशू रहा होगा और हम लोग आपको एडिटिंग करके व्लॉग नहीं दे पाए होंगे। yes. तो इसी के साथ हमारी जो सुबह की शुरुआत हमने की है वो हमारी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, लगेजेस पैक हो चुके हैं, और हम बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, क्या आपका वेट कर रहे हैं, और एयरपोर्ट जाते हैं, देखते हैं वहां पे हमें सिटिंग के लिए मतलब वो लोग अलाउ करते हैं कि नहीं, क्योंकि फ्लाइट थोड़ा सा लेट है हमारी 5 के अराउंड है, तो अभी मैं आपको बाहर निकलते हैं, मैं आपको उसका कीर्ति का टैटू भी दिखाती हूँ जो उसने कवर करवाया है, मतलब कवर नहीं कराया, मतलब उसकी भी कहानी है, छोड़ो सबकी कहानी होती है टैटूस पे, चलो बहुत लंबी कहानी है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा एयरपोर्ट, एंड मैं अब आपको दिखाती हूँ कीर्ति का टैटू जो रह गया था सिर्फ, ये है कीर्ति का टैटू जो इसने अपने कट छुपाने के लिए बनवाया है। तो गाइस कीर्ति जा रही है दिल्ली वापस, यू नो दिल्ली दिल्ली वापस, गोवा में ज्यादा बीच में चली गई है, पानी चला गया कान का है, ज्यादा नहा ली है सागर की लहरों में, ज्यादा सागर नहीं समुद्र सागर ही होता है वो, जब प्राइवेट हिंदी अच्छे से पढ़वाएंगे। गाइस ये जा रही है, हमारा मन नहीं लगेगा, हमको इसकी याद नहीं आएगी, तो क्या कर सकते हैं, जाना मैंडेटरी है, जाना तो पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा, हम अपनी गर्दन तुड़वा के आए हैं गाइस,
तो कीर्ति के लिए फ्लाइट का टाइम हो चुका है, फाइनली ये लोग जा रहे हैं दिल्ली और हम लोग प्रस्थान करेंगे 5 बजे की फ्लाइट से मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, हमारा इंटरनेशनल, हमारा भी। ओके फाइनली बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, बोलो। हां ठीक है, जल्दी नेक्स्ट ट्रिप पे। और ये ट्रिप सरप्राइज रहेगा आप लोगों के, आगे के लिए आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या एक्सपीरियंसेस और ट्रेजेडीज बहुत रही है, ये ट्रेजेडीज भी आपको एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या हुआ था। पोपट पोपट पॉपट नहीं पॉपट पॉइंट, बहुत सारे पॉपट हुए। अब अपने बंद कर दीजिए प्लीज। चलो गाइस, swear I won't forget this, why do I regret this, in my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxiety's infectious, I feel so defenseless, betrayed and तो गाइस यहां पे अपने हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मेरे को लग रही थी ठंड, इनको ठंड लग रही थी तो मैंने बोला शर्ट इनको दे दो और आप ये पहन लो क्योंकि मैंने ये वियर किया हुआ था मॉर्निंग में ना। आप लोग सोच रहे कि अपन वही पुराने कपड़े पहनते रहते हैं क्योंकि मुझे ट्रैवल में कोई स्टाइल मारने की शौक नहीं थी और ये मैंने तो इसलिए पहनी, क्रॉप भी ये वाली मैंने नहीं पहनती मैं क्योंकि ज़्यादा टी शर्ट्स के ऑप्शन नहीं थे बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि इसने मुझे बोला इतनी टी शर्ट लगी क्या करेगी वहाँ पे, अब एक दिन में जब 3-3 बार कपड़े चेंज करने पड़े तो पता चल गया फिर। सही बात है। तो गाइस फाइनली अब हम लोग हैं गोवा के एयरपोर्ट पे और आप लोगों को पता है कि जल्दी आ गए थे और अभी हम लोग अपना लंच भी कर चुके हैं और सुबह तो मेरे को इतनी गंदी वाली नींद आ रही थी, इतनी गंदी वाली नींद आ रही थी, कोई मेरी शक्ल देख के यही बोलता कि पता नहीं कौन सा ये नशा करके मतलब आई है क्योंकि पूरी रात नहीं, मतलब 4 बजे तो ऑब्वियसली बात हम आए थे बीच से, उसके बाद हम लोग थोड़ी बातें बातें की, सुबह 5 बज गए तो फिर बंदे कितने 3 घंटे मुश्किल से सोए हैं, हम 3 घंटे भी नहीं सो पाए तो नींद तो कंप्लीट हो ही नहीं रही है, तो घर जाएंगे तो ही कंप्लीट होगी। और कुछ हमारे टैटूज के पेन ने हमें मार रखा है सही में, क्योंकि हम ज़्यादा हमें ऐसा लगा कल का दिन हमें टैटूज के नाम कर दिया था सही में। सो चलो कोई नहीं, फ्लाइट अपनी है 5 बजे और 4:15 बज चुके हैं तो हम अपने गेट नंबर पर आ चुके हैं और बस चलते हैं गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपसे एयरपोर्ट वालों ने ये वाला वॉशरूम हमारे नाम कर दिया, मस्त खाली पड़ा है, कह रहा तुम्हारे नाम है ये जो मर्जी करो। तो हमने कहा चलो भाई ब्लॉग शूट कर लेते हैं फिर, तो तुम इतना कह रहे हो तो माननी पड़ती है यार बातें। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गोवा का एक्सपीरियंस है और जो हमारे गोवा में जितने भी पोपट हुए ना उसका एक अलग से ब्लॉग आएगा से जो आपको यू नो। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी गाइस, अगर आप गोवा के लिए प्लान कर रहे हो ना और अगर आपकी माइंड में ये है कि ये चीज मेरे यहाँ 20 की मिलेगी तो वहाँ 25 की मिल जाएगी, तो अपने दिमाग से ये भ्रम बिल्कुल निकाल के 20 की है तो 40 की मिलेगी, वो 40 की भी, वो 60 की भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो 60 की भी दे सकते हैं। और प्लीज़ कोई गोवा से है तो इस चीज़ का बुरा ना माने क्योंकि मैं मुझे लगता है बहुत सारे स्टेट्स में हम लोग जा चुके हैं तो प्राइस का एक आइडिया सा रहता है, बट गोवा का जो है गोवा बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर आपको यहाँ का ट्रिप करना है तो भाई उस हिसाब से अपना यू नो पूरी रिसर्च करके हाँ पूरा बजट लेके चलना क्योंकि यहाँ पे ओला उबर कुछ भी नहीं चलती, यहाँ की लोकल टैक्सी चलती है, अगर आप 2-4 किलोमीटर के उसको हायर करोगे तो 500 से ऊपर ही जाएगा, कम नहीं आने वाला क्योंकि रात को एयरपोर्ट से हम जब अपने होटल आए तो 54 मिनट का रास्ता था और कितना किलोमीटर होगा 34 किलोमीटर था शायद 34-33 किलोमीटर्स था, उनके चार्जेस थे 1850 रुपये और उसके बाद वो अपने लेट नाइट चार्जेस और डाल देते हैं जो कि आपका 30% होता है और आप उनको वो मना नहीं कर सकते, वहाँ पे पूरा टैक्सी का पूरा वो चलता है क्या बोलते हैं उसको मतलब पूरा एक वो है और वो ये फिक्स प्राइस है। गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्लाइट में बैठने, फ्लाइट हमें बुला रही है। Embarrassed, I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion. तो आप लोग मुंबई जाने के लिए तैयार हो? Go follow me. Ocean, anger ain't a potion, rub it on like lotion, I can feel it. देखो, वही तो कह रही हूँ, तभी तो लेट है. पैसेंजर उतर रहे हैं ना अभी तो. So guys, finally हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई and अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑटो का. आ जाए तो हम अपने घर जाएं, दफा हो जाएं यहाँ से, तो मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं, क्यों मेरे फ़ोन की क्लियरिटी ख़राब है क्या? मतलब नहीं लगी कंफ्यूजन, मैं
मैं तो याद है कौन से क्लिप किसमें शूट हुई है। तो गाइस हमने बहुत मिस किया अपना घर 4 डेज के लिए और लेट्स सी क्या हालत है हमारे घर की। ये हालत तो हम ही करके गए थे, बस प्लांट्स की देखनी है क्या हालत है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब ठीक है। फाइनली इनकी टेंशन थी बस सब ठीक है। पानी देंगे सही हो जाएगा। पानी भी यही रखा है नहीं बट बहुत मुझे लगा था मुरझा गए होंगे बट सही है सारे सब बढ़िया। देखा इसको कहते हैं कि कभी भी आप दिल से ये ना कुछ अच्छा सोच के करो ना पॉजिटिवली तो सब अच्छा ही होता है। आप मतलब मानोगे नहीं ये इतना ज़्यादा मतलब गर्मी मान रहे थे ना ये प्लांट्स के दिन में इनको 2-2 बार भी पानी डालना पड़ रहा था। और हम लोग ना एक्चुअली पाइप वाला सीन आपको बाद में बताऊँगी मैं। पाइप हम हटा गए थे पानी का जो किया था ना जुगाड़ वो हम हटा गए थे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हमने थोड़ा कवर अप कर लिया था पानी वहाँ पे। तो गाइस थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर बात करते हैं।